नमस्कार, प्रादेशिक खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करते हैं खबरों की। नारनौत की अनाज मंडी से एक ट्रक चालक फर्जी तरीके से गेहूं की गाड़ी भरकर हजारों रुपए का चूना लगाकर मौके से फरार हो गया। विभाग ने अढ़ैती व ट्रांसपोर्टरों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी इसकी शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है। नारनौत की अनाज मंडी में 7 मई को एक ट्रक चालक गाड़ी को लेकर अढ़ैती रामफल सिंह की दुकान पर जा पहुंचा और बोला कि ये खाली गाड़ी की कांटा पर्ची है, जल्दी से इसमें गेहूं भर दो। तो अढ़ैती ने गाड़ी में 140 क्विंटल गेहूं लोड करवा दिया और अढ़ैती के मुनीम ने फूड सप्लाई विभाग से गेट पास कटवा कर ट्रक चालक को भी दे दिया। अपने मुंह पर कपड़ा लगाए हुए ट्रक ड्राइवर काफी देर तक अढ़ैती की दुकान में ही बैठा रहा। गेट पास मिलने के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी लेकर फिर धर्मकांटे पर पहुंचा और गाड़ी का कांटा करवा कर गाड़ी को दूर ले जाकर खड़ा कर दिया। गाड़ी में 140 क्विंटल गेहूं भरवा कर और आड़ती के मुनीम के द्वारा गेट पास कटवाया गया। गाड़ी गेट पास कटवाने के बाद धर्मकांटे पे गई, वहां उसका वजन हुआ। जब शाम को हमने मिलान किया गाड़ियों का कि कितनी गाड़ियां हमारे पास आ गई, कितनी गाड़ियां हमारी मिशिंग हैं, तो उसमें हमने पाया कि 80 नंबर गेट पास की गाड़ी अब तक हमारे पास नहीं पहुंची है। उसके बाद छानबीन करने पर, पता करने पर थोड़ा ये पता लगा कि यह गाड़ी कहीं ना कहीं मिसप्लेस हुई है। तो क्या पुलिस में इस कंप्लेंट दी गई? नहीं जी, पुलिस में इस बारे में मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं दी गई। पुलिस में कंप्लेंट देने का काम आड़ती और ट्रांसपोर्टर का ही है, क्योंकि गाड़ी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजी जाती है। मामला ये है जी, विभाग द्वारा, विभाग के पास गाड़ियाँ, विभाग ने टेंडर करा के हमारे गाड़ी खाली कांडे पर से आती है। जिन गाड़ियाँ का नंबर ले जाता है वो कांडे से आता है। 73-14 नंबर गाड़ी कांडे से यहाँ हमारी दुकान 7 नंबर पर लिखा हुआ था, खाली होके वहाँ से आएगी, खाली वहाँ से आएगी। हमने लोड करवा दी, गेट पास कटवा दिया। गेट पास करने के बाद दोबारा कांडे चलेगी भरी। उससे आगे अब हमारी कोई जिम्मेवारी ना पता जी, हमारे ऊपर तो वैसे थोप रहे सारा काम, एजेंसी का है, एजेंसी की जिम्मेवारी। एक गाड़ी ड्राइवर था, वो फर्जी प्लेट लगा रहा था और हमने तो तब पता लगा जब विभाग ने ये बताया हमारे को भाई इस नंबर की गाड़ी वहाँ पहुँची नहीं, तो उसका पता कराया तो वो गाड़ी फर्जी थी, फर्जी प्लेट लगा रहा था। तो उसमें कितना माल ले गए? 280 बैग थे जी, 140 क्विंटल। तो विभाग क्या कह रहा है? विभाग हमारे ऊपर थोप रहा है, जबकि विभाग की जिम्मेवारी ऐसा जी, वहाँ कांडे से खाली कांडा हो गया है गाड़ी। विभाग ने जो गाड़ी भेजी थी उसका खाली हो गया है, हमने उसको भर दी, वो भराई करा दी, गेट पास कटवा दिया। गेट पास कटवाने के बाद दोबारा कांडे चलेगी वो। तो किसकी जिम्मेवारी बनती है? ये विभाग की।